जो बंदा टैक्सेबल इनकम कमाता हो, ठीक है, टैक्सेबल इनकम कमाता हो टैक्स ईयर के अंदर, पर एक खास टैक्स रेट लगता है, ठीक है। और ये जितना कुछ एक आप जिस डॉक्यूमेंट के अंदर भर के ना, एक आपके पास प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट होता है, राइट, ऐसे 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 चीजें आप सारी डालते हैं, इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? रिटर्न। बहुत समझ आ गई है? जैसे हम लोग बनाते हैं कि सैलरी से कितनी इनकम हुई। एक मिनट सर, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बोला उन्होंने। जी, ये बात समझ आ गई है? कोई सवाल तो हम सर जैसे हम रिपीट करते हैं। जी जी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना कि ये बंदा सैलरी से कमाता है। अच्छा, नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, इसकी अच्छी समझ आएगी। देन हम लोगों ने एक्स रिटर्न, आपको समझ आ गई, ये एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको दिखा दिया, एफबीआर ने इसको दिया हुआ है। इसके ऊपर आप अपनी जितनी इनकम वगैरह में सारे को डिस्क्लोज करते हो और उसके ऊपर अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट करते हो, ठीक है जी। अच्छा, पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सन इज लाइबल टू फाइल रिटर्न, ये आपके पास वो लोग हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी होती है, ठीक है। इनका हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, किस किस ने रिटर्न फाइल करनी थी जी? हर कंपनी, एवरी कंपनी, एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसमें दो हिस्से बनते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास सैलरीड और एक होता है नॉन सैलरीड। सैलरीड में क्या होने पड़ता है? 6 लाख। यस सर, 6 लाख और और 4 लाख इसमें नॉन सैलरी, 4 लाख। 4 लाख जिस बंदे की 4 लाख से कम इनकम है ना, उसने भी टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी। कम सैलरी होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ जी, उसने यस सर, टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करनी। और जिसकी 6 लाख से कम इनकम है ना, उसने भी टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी, ठीक है जी। एनी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टैक्स रिटर्न और टैक्स फाइल रिटर्न में कोई फर्क है? टैक्स में और टैक्स रिटर्न फाइल, अगर सर टैक्स हो गए नहीं तो टैक्स रिटर्न फाइल आएगी कैसे? नहीं ऐसा होता है ना, देखो ये है ना, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी थी 2014 के अंदर 6 लाख, ये 6 लाख सैलरी को इनपुट दिया आपने। अब यस देखो सर, यहाँ पे कंप्यूटेशन में जो कितना टैक्स बन रहा है, सर 0 बनना चाहिए, टैक्स तो होना ही चाहिए इसके नहीं, ऊपर। ये 2014 में, 14 का लॉ, 14 के लॉ के मुताबिक 10,000 रुपये टैक्स बनता था 14 में। ठीक है सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉल सुन रहे हैं। ठीक है भाई, सेफ, शुक्रिया। सर ने कहा था 1 मिनट। जी सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? यस वालेकुम सर, सलाम जी सर। हाँ जी, अब अगर आप इसको, यार इसके चार्जिंग 1 मिनट और दो, इसके चार्जिंग डेड होने वाली है, मैं चार्जर ले रहा हूँ इसका।
जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अच्छा ये देखिए इसमें टैक्स मांग रहा है ना यहाँ पे राइट। अब मैं यस इसमें सर, से इस पे तो फाइल, टैक्स मांग अगर रहा मैं है इसको फाइल करूँगा यहाँ से तो ये फाइल हो जाएगी ठीक है। अब अगर सर। मैं कह मैं रहा हूँ जिसके सपोज ऊपर टैक्स ही ना हो। टैक्स ना हो, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दो चीजें हैं, दो इन चीजों में ना फर्क याद रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है सर। एक है टैक्सेबल इनकम, एक है टैक्स रिटर्न फाइलिंग, दो तरह से होती है, एक होती है मैंडेटरी और एक होती है वॉलेंट्री राइट। मैंडेटरी किसके ऊपर है, इन लोगों के ऊपर जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो पूरी लिस्ट अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इनके ऊपर क्या है मैंडेटरी मैंडेटरी, और एक होती है वॉलेंटरी जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ राइट। मेरी इनकम तो स्टाइपेंड मिला के या इधर तो 6 लाख तो नहीं बनती है, लेकिन फिर मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, वो कौन सी है, वॉलेंटरी टैक्स रिटर्न फाइलिंग है जी। गॉट द आइडिया। यस सर। सर आप फाइलर होने के लिए टैक्स पे करते हैं एग्जैक्टली, मैं फाइलर होने के लिए ये टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ। जो बंदा टैक्स रिटर्न फाइल करता है ना उसको फाइलर कहते हैं उस, अच्छा उसके उसमें इधर तो फायदा नहीं होता ना, उसके बाकी फायदे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो ठीक है, तो उस पर भी आपके पास हाफ टैक्स लगता है। इसी तरह आप जो बैंक से यस विड्रॉल सर, कराते हो अगर उस पर भी गाड़ी का टैक्स, टोकन पे जैसे करना हो तो सिमिलरली भी गाड़ी का एग्जैक्टली हाफ। कार टोकन के अंदर टैक्स लगता है, वो उन वजह से टैक्स फाइल करते हैं। यस सर, बात समझ आ गई, अभी क्लैरिटी है या कोई और क्वेश्चन है। यस सर। अच्छा उसके बाद जी एनपीओ, एनपीओ क्या होती है, जो आपके पास सेक्शन 42 के अंदर आती है, ऑर्गेनाइजेशन राइट, वो उनके ऊपर ही मैंडेटरी फाइलिंग होती है। उसके अलावा एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द टैक्स इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स अंडर एनी प्रोविजन ऑफ, जो जिनके ऊपर फाइनल टैक्स लगते हैं एफटीआर राइट। अच्छा इसमें ना दो केसेस होते हैं, या तो वो बंदा प्योर एफटीआर का काम कर रहे हैं, या फिर एफटीआर भी कर रहे हैं और एनटीआर भी कर रहे हैं, और एनटीआर से जो लाइबिलिटी है ना वो लेस देन टैक्सेबल है। यानी इसमें आप ऐसे एग्जांपल हो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बंदा है ना, ये देखो ये एबीसी एक्सपोर्टर है, सपोज करो ये लोकल सेल करता है, लोकल सेल से इनकम कमाता है 3 लाख, और एक्सपोर्ट करके इनकम कमाता है सपोज करो 4 लाख। अब नो दिस इज एनटीआर में ये टैक्स नहीं है, एनटीआर की लिमिट क्या है जी, बिजनेस वालों के लिए टैक्सेबल टैक्स की लिमिट क्या है जी बताएं। हाँ किस लिहाज से सर? अमाउंट के लिहाज से है? अमाउंट के लिए ऐसा क्या लिमिट है जी, हम सब बताएं, नॉर्मल टैक्स रिजीम में तो 6 लाख की? 4 लाख की, वो 6 लाख की सैलरीड के लिए, ये बिजनेस पर्सन है, तभी सर तो उनका बताया नहीं था था आपने, फिर भूल गए, 4 लाख की। और ये क्या है, ये फाइनल टैक्स है, एफटीआर है, मोस्ट फाइनल टैक्स, फर्क समझ आया नहीं आया आप। हो हमजा भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही, गया। यस सर, आ रही है। यस मिस आपको भी आ रही है समझ। सर, अच्छा अब ये देखें ये फाइनल टैक्स है ना, अब देखो इस हिसाब से इसको क्या रिटर्न फाइल करनी चाहिए, इस थ्रेशोल्ड के हिसाब से नो नो सर, नहीं करनी चाहिए नो, सिर्फ फाइनल टर्म, लेकिन सिर्फ फाइनल क्योंकि कब, जी बताएं। हाँ तो मैं जी, कहती फाइनल टैक्स रिटर्न का क्या लिमिट है उसकी, फाइनल टैक्स रिटर्न मिनिमम में ये लिमिट है कि अगर 1 रुपए की भी फाइनल टैक्स में कमाता है ना, 1 रुपए की भी, तब इसको फाइनल टैक्स रिजीम ये रिटर्न फाइल करनी। तो सर फिर इसको रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए। इसको करनी चाहिए ना, मैं ये बताने लगा कि एनटीआर के हिसाब से क्या है, नहीं बनती ना लिमिट नो, सिर्फ हाँ क्योंकि एनटीआर के हिसाब से नहीं हाँ करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि एफटीआर मैंने में समझा कमा रहे ओवरऑल ना, पूछ रहे हैं। नहीं चूंकि एफटीआर में कमा रहे हैं तो नो इज लाइबल टू फाइल द रिटर्न। बात समझ आ गई सर है, इसके अंदर हायर ऑफ नहीं दिखेंगे? नो नो यस सर, हायर आप ऑफ का चक्कर दिखेंगे। नहीं है,
अब ये रिटर्न जो है ये दोनों रिटर्न मैंने आपको दिखाई है ना, ये वाली फाइल करेगा। सर अच्छा जी बताएं। ओके सर, अच्छा इसमें सर एक और मतलब कि केस है। अगर जी लोकल जी बताएं। में भी वो कर, अगर अभी 3 लाख ठीक है सर, जी सर अगर वो बताएं। अभी लोकल में 4 लाख का रहा होता तो फिर अब लोकल में भी फाइल टैक्स रिटर्न पे करता और जो FTRC उसमें भी दोनों में करता। नहीं देखें, बात में आप बात नहीं समझ रहे, बात ये है कि लाइबल टू टैक्स रिटर्न उसको फाइल करनी है या नहीं करनी, हम ये डिसाइड कर रहे हैं। यस सर उसने करनी है। इस केस में उसने नहीं करनी, एनटीआर के हिसाब से नहीं करनी, लेकिन आप चूंकि यस सर व्यक्ति आनंद एनटीआर के इनकम हिसाब से नहीं प्रमाण करनी, हिसाब एफटीआर के हिसाब से करनी है। से करनी है, अब उसको ओवरऑल रिटर्न फाइल करनी है, ओवरऑल दोनों को मिला के। बात समझ आई है? ठीक है सर, यस सर, अब अगर सिर्फ और सिर्फ वो एफटीआर में कमा रहा था, ये ना कमा रहा था, एनटीआर में कुछ ना कमा रहा होता, सिर्फ एफटीआर में कमा रहा होता, फिर वो क्या सर करता, फिर भी करता फाइल, फिर वो करता, फिर वो ये नॉर्मल सर रिटर्न फिर ना भी फाइल करता। करता। जी फिर ये नॉर्मल रिटर्न ना फाइल करता, बल्कि वो सेक्शन 115 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ ओके फाइनल सर, टैक्स फाइल करता, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स फाइल करता। ठीक है सर, बात समझ आ गई? यहाँ पर वो यस सर, ये स्टेट ऑफ फाइनल टैक्सेशन नजर आ रही है इस बार, ये भाई ये ओरिजिनल और ये रिवाइज्ड है, ठीक है वो सर, ये फाइल स्टेटमेंट ऑफ करता फाइनल। इस वन, राइट नजर आ रही है? यस सर आ रही है। आ गई ना। तो वो अगर सिर्फ और सिर्फ एफटीआर में कोई इनकम कमा रहा हो ना, यानी एक बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट का, उसकी सारी इनकम किसके अंदर आती है? एफटीआर के ठीक अंदर। है सर, तो फिर ये नॉर्मल रिटर्न नहीं फाइल करता जो मैंने आपको एफटीआर में दिखाई, आएगी सर। वो सिर्फ और सिर्फ क्या फाइल करता है? जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स। ये बात समझ आई या ठीक नहीं सर, आई? स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन। ठीक है जी, अच्छा यस अच्छा ये सर, नीचे आ भी जाएगा, मैं उधर पढ़ा भी सर अगर दूंगा। वो अगर जी बताएं। ओके जी सर, जी बताएं। सर अगर वो क्या कहते हैं एफटीआर, एफटीआर अगर उसकी ना बनती होती और एनटीआर उसकी बनती होती तो फिर सर वो क्या फाइल करता? मतलब देखिए ना, ये बंदा फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर हमजा है, अब यहाँ पे दो केसेस हैं, बल्कि तीन केसेस हैं, थ्री केसेस। पहला केस ये कि ये सिर्फ और सिर्फ ना एनटीआर में कमाते हैं, राइट। दूसरा केस है ये ठीक है एनटीआर सर, में भी कमाते हैं प्लस एफटीआर में कमाते एफटीआर में, हैं। और तीसरा एफटीआर में भी केस में, कमाते हैं। तीसरा एफटीआर में कमाते हैं। इस केस में ना उसको ये नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी, ये 114 वाली, 114 वाली, ठीक है। इसमें भी उसको वन ओके वन सर, फोर वाली जमा करानी थी, और इसमें उसको 115 वाली जमा करानी थी। 115 इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनल ठीक है टैक्स सर, एंड दिस इज नॉर्मल टैक्स रिटर्न, नॉर्मल टैक्स रिटर्न, ठीक है जी। ओके सर, समझ आ गई। यानी आम बंदे को उसमें ये कम करानी थी उसे पहले दोनों केसेस में, तीसरे केस में ये करवानी है, ठीक है जी। अब बात समझ आई? चले आगे। जी आपने क्या खोला? आईएस खोला हुआ एफबीआर का यस सर, पोर्टल। आगे। हाँ अच्छा अच्छा उसके बाद इन एडिशन टू द अबव रिटर्न इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द फॉलोइंग पर्संस हु हैज बीन चार्ज्ड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द टू प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। जी कोई बंदा अगर वो पिछले 2 साल के अंदर क्या था, टैक्स पेयर था, और इस साल वो नॉन टैक्स पेयर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर हमजा है, पिछले 2 सालों में इन्होंने बड़ा बिजनेस काम किया, ठीक है, इस साल के कंगाल हो गए ना, अब इनकी जो बिजनेस इनकम है ना वो 3 लाख रुपए आई सपोज करें, पिछले साल 6 लाख थी, उससे पिछले साल 8 लाख थी, ठीक है, तब्दीली आई और इनकी बिजनेस इनकम क्या होगी, आधी होगी। अब पिछले 2 सालों में इन्होंने टैक्स पे किया होगा ना, यस सर, अब ये तीसरे साल यहाँ पे टैक्स पे नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। बात समझा कि अच्छा अगले साल अब क्या होगा, अगले साल यस 2 लाख सर, पे करेंगे, आप करेंगे वह रिटर्न फाइल? सर करेंगे। नहीं नहीं करेंगे, हम पिछले 2 सालों को देखते हैं, पिछले साल 2 सालों में क्या ओके इन्होंने सर, टैक्स पे किए? अच्छा पिछले 1 साल में टैक्स पे किए ना, 2 में तो नहीं किए? सर आपके आवाज नहीं आ रही थी, अभी यार भी नहीं आ रही, नौकरी नौकरी को मुझे इसको ओपन बार करना बार लैग पड़ेगा, हो जाती है। 1 मिनट रुकना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए।
मैं असल में दूसरा उधर घर छोड़ रहा हूँ। हाँ जी बाहर के लाओ, बाहर के यस सर, जी सर। यस सर, आ रही अब। तो बड़ घर गिर गया था। अच्छा मैं कह रहा था कि अगर आपने पिछले 2 सालों के अंदर रिटर्न फाइल की, 2 सालों के अंदर टैक्स पे किए है ना, और तीसरे साल में टैक्स नहीं पे किए, राइट, तब क्या होगा? तीसरे साल में आपको क्या करनी है? रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो, इस साल अब आपने टैक्स पे नहीं किया ना, इस साल भी नहीं पे किया, इस साल भी नहीं पे किया, तो क्या इस साल रिटर्न यस सर, फाइल इस करेंगे? साल नहीं किया। यस सर करेंगे। नहीं करेंगे ना। पिछले 2 सालों को देखो, क्या पिछले 2 सालों में टैक्स पे किया है? यस सर किया। अगले साल रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, उससे वो अगले साल फिर करेंगे। सर मैं अगेन सिंपल करके एक बार पॉइंट दोबारा रिपीट कर दे बस। अभी बता देता हूँ, कोई ठीक है जी। यहां पर आपकी इनकम थी 8 लाख, यहां थी 6 लाख, यहां थी 3 लाख, यहां थी 2 लाख। रिटर्न इधर फाइल करोगे इस साल में 18 में? यस सर, यस सर करेंगे, करेंगे इधर 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 करेंगे सर। सर इधर नहीं करेंगे। नहीं क्यों करेंगे। सर, पिछले काम दो काम हो गए ना, करेंगे लेस देन नहीं फोर, करेंगे। 4 लाख से कम यस है सर, 4 लाख से। तो नहीं करने यस चाहिए, सर, नहीं करनी चाहिए ना, नहीं नहीं करेंगे। करनी। यस सर, और अगले में करेंगे। अच्छा नहीं, जब इस तरह का केस होता है ना, इस तरह का केस, फिर आप देखते हो पिछले 2 सालों, ओके पिछले सर, 2 सालों को क्या पिछले 2 सालों में टैक्स फाइल यस किए, सर, टैक्स पे किए पिछले 2 सालों के अंदर? अगर यस सर की है, पिछले दो यस सालों सर के अंदर की किए है। ना, तो फिर यहां पर भी करेंगे। ठीक है सर। और इस साल सर इस साल, फिर इस साल भी करेंगे। क्यों? सर पिछले 3 सालों में जो की है, उससे पिछले, इसके भी पिछले 2 साल देखेंगे। इसके पिछले 2 साल में भी टैक्स फाइल रिटर्न किया, तो फिर इसमें भी करेंगे। रिटर्न नहीं देखना, टैक्स पे देखना है, नॉट रिटर्न, टैक्स पे। इस साल टैक्स पे किया है? ठीक है सर, टैक्स पे किया यस है इस सर, साल? जी सर, और इस यस साल, सर, और इस साल किया है? नो सर, तो अब इसके प्रिसीडिंग 2 साल में टैक्स नहीं पे किया ना, 1 साल में किए, 2 महीने किए, तो इस साल अब नहीं करेंगे भाई। ओके सर, बात समझ आ गई? ये इस प्रोविजन में लिखो सीधा सीधा, यस सर, सही हो हैज गया। बीन चार्ज टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द टू प्रिसीडिंग, ठीक है जी। पिछले 2 सालों के अंदर अगर उसने टैक्स पे किया ना, हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द टू प्रिसीडिंग, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद क्लेम्स और लॉस कैरी फॉरवर्ड फॉर टैक्स। अगर कोई बंदा लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसको लॉस आया था, तो ऐसे देखो सपोज यहाँ पे इनकम थी, यहाँ पे लॉस था, सपोज करो 3 लाख का लॉस था, ठीक है, और ये लॉस कैरी फॉरवर्ड अगले साल फिर आपके पास सपोज करो 2 लाख की इनकम आ गई, ये लॉसेस से एडजस्ट होगा, क्या बच जाएगा? 1 लाख का लॉस, राइट? राइट बात समझ आ गई? अब क्या इसने इस साल रिटर्न फाइल जी, करनी है? इस साल करनी तो होगी। नहीं सर, नहीं कर लेना, लेकिन अगर ये चाहते हैं ना कि मेरा ये लॉस यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, तो तो ये तो कैश नहीं मांगेगा सर। नहीं सर, ये अपने यहाँ पे रिटर्न फाइल कर देगा। तो लॉस फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सर। नहीं, कैरी फॉरवर्ड क्यों होगा? यहाँ 2 लाख की इनकम, 1 लाख का लॉस, एडजस्ट हो जाएगा आपस में। बात समझ आई है? और ठीक हो गया सर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद चले आप आगे। ओन्स इमोबल प्रॉपर्टी विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, और एनी फ्लैट एरियाज फॉलिंग विद इन द म्युनिसिपल लिमिट एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ लोकल। जी अगर कोई बंदा जो है वो किसी इलाके के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड, अभी मुझे पता नहीं है मरले में कितनी बनती है,
उसमें अगर ये लेते हैं ना उतने का प्लॉट, मुझे ये मैं वो कंफर्म कर देता हूँ, मेरे ख्याल से 5 मरले बनते हैं, 7 मरले बनते हैं। सेफ भाई पता है आपको कितना बनता है, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं ना, कितना यार्ड्स बनता है? यार्ड्स के हिसाब से नहीं पता, मरला ही पता। ओ सॉरी, 16 मरले बनते हैं, माय बैड, ये 16.5 मरले बनते हैं जी। ठीक है जी, तो कोई बंदा कुछ 16.5 मरले का प्लॉट ओन करता है ना, तो वो भी क्या करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, कौन सा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 मरला बनता है, नहीं ना, 500 स्क्वायर यार्ड्स, 500 500 स्क्वायर यार्ड्स, साढ़े ठीक है सोलह सर, मरले 16.5 ही है। यार्ड्स। मैंने भी यस सर, कितने सोलह साढ़े सोलह मरले बन रहा है। सही हो गए। अच्छा, उसके बाद ओन द इमूवेबल प्रॉपर्टी द लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर लोकेटेड इन आर रेटिंग, रेटिंग एरिया मतलब शहरी इलाके के। ठीक है जी, उसके अंदर भी अगर आप है तो उधर भी आपको फाइल करना था। बी ओन द फ्लैट हैविंग कवर्ड एरिया ऑफ 2,000 स्क्वायर फीट और मोर लोकेटेड इन रेटिंग एरिया, तो फ्लैट है जिसका 2,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो तब भी आपको करनी है। द मोटर व्हीकल हैविंग ए इंजन कैपेसिटी ऑफ 1,000 cc, ठीक है जी, हैज ऑब्टेन एनटी। अच्छा, अब जिस बंदे के पास एनटी है उसने ऑब्टेन कर लिया है ना नेशनल टैक्स नंबर, इसका क्या मतलब होता है कि वो उसने अपने आप को, इसका मतलब होता है कि उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ एफआईआर के पास, उसके ऊपर भी क्या आएगा कि वो रिटर्न फाइल करे, बेशक उसकी जो इनकम है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ ना, सपोज करो मेरी इनकम है 2 लाख, राइट, मेरे पूरे साल की इनकम कितनी है 2 लाख, ये 6 लाख से कम है ना, तब भी मैंने क्या करनी है, रिटर्न फाइल। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिया हुआ है, नेशनल टैक्स नंबर लिया हुआ है, बात समझ आ गई? राइट सर, अच्छा, इज द होल्डर ऑफ अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर द अमाउंट ऑफ एनुअल बिल एक्सीड्स 5 लाख रुपए, तो अगर आपके पास कोई ऐसे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मीटर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दुकानों में होता है, दुकानों में होता है, तो अगर उसमें आपका जो 5 लाख से ज्यादा बिल आता है पूरे साल का, तो तब भी आपको रिटर्न फाइल करनी है। इन अ रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी, अगर कोई बंदा वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो ताजरों का होता है, SCOC उसमें है, ICAP में है, राइट, ICMA में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, राइट, पाकिस्तान जनरल काउंसिल से, या फिर मेरे ख्याल से लॉ लॉ का भी था इसमें, प्रोफेशनल बॉडी इंक्लूडिंग लॉ, लॉयर्स भी है इसमें, मार्केटिंग कमेटी, बिजनेस कम्युनिटी, प्रोफेशनल बॉडी और लॉयर्स भी है इसमें, ये प्रोविंशियल बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल, तो जितने हैं ना लॉयर्स, इन सब के ऊपर भी क्या होता है, वाजिब होता है टैक्स रिटर्न फाइल करना। हो सकता है बेशक ये 1 लाख रुपए कमाए या 10 रुपए कमाए, इनके ऊपर क्या जी वाजिब है टैक्स रिटर्न फाइल करना। रेजिडेंट पर्सन बीइंग इन इंडिया रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट अंडर सेक्शन 116 जी, वो रेजिडेंट पर्सन और उसको फॉरेन इनकम और एसेट्स की स्टेटमेंट फाइल करनी है। ठीक है जी, ये कौन निकला है, हमजा भाई निकले हैं। एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम जी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स 3 लाख। अच्छा, ये एक और मजे की प्रोविजन है, बताते हैं, हमजा ने ज्वाइन कर लिया। यस सर, वो अच्छा, मेरी एक कोई मीटिंग एंड हो गई थी। इशू नहीं। अच्छा, ये एक और मजे की प्रोविजन है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, राइट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या कमाते हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाते हैं, बात समझ आ गई है, और आपकी जो इनकम वो 3 लाख से ज्यादा हो, राइट, और क्या हो, राइट सर, 4 लाख से कम हो, तब भी आपने क्या करनी है, रिटायर फाइल। अच्छा, इसकी बड़े मजे की लॉजिक है, लॉजिक ये कि जो आपको पता है ना, ये जो होते हैं दुकानदार लोग, ये क्या करते हैं, ये फेक इनवॉइसिंग करते हैं, राइट, पता है ना, ये सुना है कभी, दो रजिस्टर जी सर, बैठते हैं टैक्स वालों के लिए, अपने लिए नो सर, नहीं सुना? अच्छा, ये ना ये जो होते हैं ना स्पेशली ये डॉक्टर और ये जो ताजिर होते हैं, ये इस तरह करते हैं कि ये दो रजिस्टर बना रहे होते हैं, एक के अंदर सेल्स को एड्रेस सेट करते हैं और एक एक्चुअल जो बिजनेस के लिए रखी होती है, राइट,
जो इंटरेस्ट रेट रजिस्टर था ना, इसमें अपनी ओके सर, इनकम इनकम को ना लेस शो कर रहे थे और एक्सपेंसेस को ज्यादा शो कर रहे थे, बहुत कम प्रॉफिट शो कर रहे थे। बात समझ आ गई? अब इसी तरह क्या यस कर सर। रहे हैं, अपनी इनकम को ना 4 लाख से कम कम शो कराते हैं, लेस देन 4 लाख शो करवाते हैं। उनकी इस दो नंबरी को पकड़ने के लिए ना सीआर ने क्या कहा है कि तुम्हारी 3 लाख से ज्यादा और 4 लाख से कम है ना, तब भी तुम क्या करो रिटर्न फाइल। बात समझ आ गई? अच्छा यस सर। जी, उसके बाद बिजनेस बैंक अकाउंट, ये क्या है? ये भी आपका एक नया सेक्शन आया था टैक्स पेयर प्रोफाइल के चक्कर में, ये भी आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करा देता हूँ। बिजनेस बैंक अकाउंट मीन्स अ बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन डिक्लेयर्ड टू द कमिश्नर थ्रू ओरिजिनल और मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन, मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 181। जी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। ये आपके पास होता है जी, यहाँ पे फॉर्म 181 रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे होता है जी फॉर्म, ये फॉर्म 181 राइट। इसको ओपन करें, यहाँ पे आप ओपन करें सपोज 2021 का, यार एक बुक लाफिस शॉर्ट में, ये आप फॉर्म 181 ओपन करें। ये देखो ये बैंक अकाउंट राइट, ये तो ये यहाँ पर ना आपको अपना इस तरह बैंक अकाउंट शो करवाना, ठीक है जी? बात समझ आ गई है? तो ये पिछले ये 2 साल पहले एंट्री किया था। अच्छा, ओनली बिजनेस ऑपरेटर अदर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर थ्रू ई पोर्टल, ई पोर्टल पर आपको दिखा दिया। एवरी टैक्स पेयर शैल डिक्लेयर टू कमिश्नर द बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है जी? अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ ये कैसे होती है। वो मेरे पास एडिट नहीं है तो वो आपको शो नहीं होगा, और वो मेरे पास वो उसमें एडिट नहीं है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं उनके मुझे याद नहीं है किसका होगा, वरना मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देता। दो 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 अकाउंट आ रहे होते हैं, एक पे टिक हुआ होता है कि ये कहना मैं बिजनेस के लिए यूज करता हूँ, ठीक है जी? एन एक्सपेंस इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पस शैल बी एडमिसिबल वेल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 21। जी वो जो हमने पढ़ा था ना कि सेक्शन 21 के डिडक्शंस अलाउड नहीं होती, अगर आप अपने बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं करोगे ना तो आप पे क्या होगा जी, ये आपको डिडक्शंस अलाउड नहीं होगी, ठीक है जी? इसके अलावा लास्ट डेट टू डिक्लेयर टैक्स प्रोफाइल इज 30 September 2021। अच्छा, पर्सन नॉट लाइबल टू फाइल टैक्स रिटर्न, किस किस बंदे ने जी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी होती? विडो ने, ऑर्फन ने बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है? कोई यतीम बंदा है 25 साल से कम है वो, कोई डिसेबल्ड पर्सन है और नॉन रेजिडेंट, इन लोगों ने क्या करनी होती है जी रिटर्न फाइल नहीं करनी होती? शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, सर ऑर्फन यतीम को कहते हैं? ऑर्फन यतीम को बोलते हैं। तो सर इसमें तो काफी होती है, मतलब सॉरी, इसमें तो काफी लोग होते हैं, मतलब जो नहीं नहीं ट्वेंटी नहीं फाइव नहीं से नहीं एज नहीं नहीं कम। नहीं ये कुछ पर्पस लिखे हुए हैं, ये हर यतीम इसमें नहीं शामिल, ऑल ये राइट छोड़ सर, दे, ये अभी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। एक मिनट, में शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स सोलली बाय रीजन ऑफ, राइट सर, ये ऐसा चक्कर है कि अगर आपके पास कोई 500 ये 16 मरले का घर या फिर कोई इनमोबल प्रॉपर्टी या फ्लैट या व्हीकल आ जाता है और आप यतीम हैं, यतीम का क्या मतलब है कि आपके वालिद का था राइट, वालिद साहब खुदा ना खास्ता फौत हो जी गए, अब किसका आ गया है ऑर्फन का, और वो इन चारों में से कोई चीज है, तब इसने रिटर्न फाइल नहीं करनी। बात समझ राइट आई? सर, बेशक उसकी बन भी रही हो, ठीक है, नहीं, बन क्या रही हो, बनती कब है, मतलब बनती टैक्स कब वाले जी, अमाउंट अगर ज्यादा हो सर, अगर मतलब उसकी 6 लाख है तो वो तब भी नहीं कराएगा तब तो करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, तब करेगा बंदे। ये वाला केस जो आ गया। नहीं ना, ये केस है कि सिर्फ इस वजह से नहीं करेगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, एग्जांपल कराता हूँ। राइट
बस उसको एग्जाम्पल करते हैं, सपोज करते हैं। ये देखिए, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास क्या है, एक फ्लैट है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट किधर है जी, 10 के अंदर है, 20 मरले का। ये एक गाड़ी है, कार है, कार सपोज करें इनके पास सिटी है 1800 सीसी, ठीक है। उसके बाद सपोज करें इनके पास ये एक जगह पे मैनेजर है, वहां से इनकी 12 लाख रुपया जो है ना, वो एनुअल एनुअल जो इनकी वो इनकम है। इनकी एज है सपोज करें 23 ईयर्स, और इनके वालिद जो है ना फोर्थ हुए, ठीक है। नाउ वेद, आप बताएंगे लाइबल है रिटर्न फाइल करने के लिए या नहीं है? लाइबल लाइबल है ना, सर, लाइबल लाइबल है ना, क्यों? क्योंकि 12 लाख की इनकम कमा रहा है, राइट। अगर ये ना होता, अगर ये ना होता, आप बताओ लाइबल है या नहीं है? तभी लाइबल तो है सर। अब लाइबल है ना, लेकिन इसको क्या मिल गई, एक्सेप्शन मिल गई। टैक्स लॉ ने कहा कि तुम ना रिटर्न फाइल करो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी एज जो है और ना वो less than 25 years है, और तुम्हारे पास ये दो चीजें, क्योंकि इन दोनों चीजों की वजह से लाइबल बनते हैं ना। जी सर, क्योंकि इसकी एज 25 साल से कम है, तो टैक्स ईयर ने इसको, टैक्स लॉ ने इसको क्या दे दिया, छूट दे दी है। बात समझ आ गई है? अच्छा, रिटर्न को फाइल करने का मकसद क्या होता है, ये बैंक जैसा स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि रिटर्न फाइल क्यों होती है और ये सारा चक्कर क्या हो गया। कौन सी स्टेटमेंट सर? वेल्थ स्टेटमेंट ये नीचे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद उसको जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, सेक्शन 114 था, सेक्शन 114 इंपॉर्टेंट है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टू कॉल फॉर रिटर्न द कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर अ पर्सन और पर्संस रिप्रेजेंटेटिव एज अ केस में बी फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम बाय द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स वेयर द पर्सन हैज डाइड, द पर्सन हैज बिकम बैंकरप्ट और गोन इनटू लिक्विडेशन, द पर्सन इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली, द कमिश्नर अदरवाइज कंसीडर्ड इट एप्रोप्रिएट टू रिक्वायर सच अ रिटर्न टू The commissioner may by notice in writing require any person who is the commissioner's opinion is required to file a return of income for a tax year assessment. जी commissioner simple simple बातें लिखी हैं। commissioner साहब क्या कर सकते हैं, किसी बंदे से ना, अगर बंदा मर गया, उससे उसकी मर गया तो जारी बात है, उसकी लीगल हायर से जो निकल पड़े थे उनसे, या फिर बंदा बैंकरप्ट हो गया तो उससे, या फिर बंदा जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है तो उससे, अगर कमिश्नर साहब चाह सही समझते हैं तो उनसे क्या करवा सकते हैं, रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, ठीक है जी। और ये रिटर्न जो है वो 30 दिन के अंदर होनी चाहिए, बस ये बात बाकी पढ़ लीजिएगा, इसमें लंबी थोड़ी बात नहीं लिखी, ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल है? नो सर, चलिए दुनिया, नो सर। बात शुरू कर।